शहर में जहाँ जगह की कमी है, तो जोशी जी एक मॉडल हो सकता है कि एक हमारे लिए आदर्श है, एक मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने छोटे से स्पेस पे इतनी सारी सब्जियाँ, हर सीजन की सब्जियाँ। इस पे मैंने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, जूसी है पूरा, देखिए इसकी खुशबू। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम शर्मा, मैं ग्राम बायला का रहने वाला हूँ और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कार्य करता हूँ। और आज मुझे जोशी जी का यूट्यूब चैनल देखा, मैंने बहुत टाइम से देखता था और मुझे इनसे कॉन्टेक्ट किया मैंने, और कॉन्टेक्ट करने के बाद मैं इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आप मुझे कब मिलेंगे, अब मैं देहरादून आऊँगा और मुझे टाइम चाहिए। तो जोशी ने टाइम दिया मेरे को और इन्होंने मेरे को आइस ब्रिज रिसीव किया और अपने किचन गार्डन को दिखाने के लिए, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले रिक्वेस्ट की थी, वो आज मेरी पूरी हो गई है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बहुत ही अच्छे प्लांट बहुत ही मेहनत तरीके से उगा रखे हैं। जोशी जी, तो आप मुझे एक एक करके अपने प्लांट के बारे में बताइए। और आपको मैं बता दूं, मैंने हर सीजन में लगाते हैं कि विंटर में ही या समर में ही लगाते हैं? नहीं नहीं, मेरा रहता है कि मैं हर तरह की सब्जियां लगाता हूँ। ये हमारा जो सब्जियां होती है, हमारी गर्मियों की सब्जियां अलग होती है, बरसात की सब्जियां अलग होती है, हाँ। सर्दियों के लिए अलग सब्जियां लगाई जाती है। तो इसको जो हमारे ग्रो बैग है, जो आप देख रहे हैं ग्रो बैग है, ग्रो बैग जो लगाने का मेन मकसद होता है, एक तो ये वेट में बहुत कम होते हैं, बिल्कुल, और जो इसकी मिट्टी बनाई जाती है मैं इस तरह से बनाता हूँ जिससे कि इसका वेट और हल्का हो जाए, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में वेट का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो उस हिसाब से मैंने ये बना रखा है, मैं वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ, उनकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, साल में दो बार, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, दो बार मैं साल में क्या करता हूँ, जैसे हमारी फसल खत्म हो जाती है विंटर में, तो विंटर के लिए मैं अलग से ग्रो बैग उन्हीं ग्रो बैग को क्या करता हूँ, खाली करके उसको फर्टाइल करता हूँ, फिर दोबारा उस पर धूप दे के उसको सब्जियों के लिए लगाता हूँ। और एक भी फिर जैसे गर्मियों के शुरू होने लगेगी, जो बेलदार बेल वाली सब्जियां लगाएंगे मार्च अप्रैल में, तब मैं दोबारा जो सब्जियों के लिए ग्रो बैग तैयार करता हूं। ये सब बेल की जो ये सब लगाया, ये सब ये मैंने बना रखा है, जो बरसात में सब्जियां होती होगी उसके लिए बेल के लिए, साथ साथ गर्मियों में हम क्या करते हैं, इस पे हम नेट लगा देते हैं, क्योंकि धूप ज्यादा होती है, धूप से हमारे पौधे भी प्रभावित हो जाते हैं, उसके लिए हम शेड भी लगा देते हैं, तो निकाल भी देते हैं, और बाद में जो हमारी बेल जाती है, बेल इस पे हमारी चलती है, जिससे कि हमारी बेल वर्गीय सब्जियां जो होती है वो उस पे हो जाती है। तो आप ये वाला पौधा क्या हुआ, आपको मैं ये बता दूं, जो ये लगा रखा है, ये सलाद का पौधा है, विदेशी है, इसमें सलाद के रूप में यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा, इस पर जो होता है आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एक हमारा ये है। और दूसरी मैंने हरी शायद मेथी क्या है, ये मेथी मैंने अभी लगाई है, ये इसको लगा के अभी 10 दिन वो है, 10 दिन पहले मैंने इसको लगाया था, ये हमारी मेथी है, ये हमारे जो इधर है, ये पालक है, पालक हाँ। इधर पालक है लगा रखी, मेथी है, धनिया है, ये धनिया के साथ साथ बीच में लहसुन भी लगा रखी है, और इसी तरह से हमने कई तरह की सब्जियां लगा रखी है। और ये वाली कौन सी है, ये मूली है, मूली तो मूली हमने जो लगा रखी है, अभी हमने एक बीज इसमें डाल रखे, अब इस पे क्या करना है, क्योंकि ग्रो बैग में इतनी घनी मूली नहीं हो पाएगी, अब इस पे हम जहाँ 15 पौधे हम लगाएंगे रखेंगे इसको, बाकी हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि 15 क्योंकि मूली की गांठ होती है, लंबी जाती है, उसमें घने में नहीं हो पाएगी, तो इस पे और ये आप अलग अलग गमले शिफ्ट कर दूंगा मैं इसको, और वो कर दूंगा। और दूसरा ये हमारा शलजम, और ये वाला क्या, ये सरसों, अभी गाजर जमने शुरू हो गए, थोड़ा बारीक सा होता है ये, और ये दोनों में शलजम है। और ये जो हरी मिर्च है, ये नहीं, ये शिमला मिर्च के मैंने, ये शिमला मिर्च, ये सारी शिमला मिर्च है टोटली, और ये हमारे टमाटर है अभी हम ये 10-12 दिन पहले के प्लांट है, अब इसको हम निराई गुड़ाई करके, अब इस पर हम, क्योंकि थोड़ा गिरने का डर रहता है, इस पर हम इस पर लकड़ी लगाएंगे जिससे इसको बांध देंगे। और इसी तरह मैंने गोभी लगा रखी है, ये गोभी है, ये फूल वाली गोभी की बंद गोभी है, ये हमारी बंद गोभी है, ये वाली बंद गोभी हमारी, अच्छा। और इधर मैंने मटर लगा रखे, ये मटर है, अभी बीज डाले, अभी टाइम लगेगा, ये लहसुन है हमारी। तो जो साल भर में आप लगभग, जैसे प्याज लहसुन का जो सीजन है, कितना लहसुन प्याज साल भर का उगाते थे अपने आप? मेरा ये होता है, कम से कम जब भी मैं प्याज लगाता हूँ 10-12 केजी हो पाता है, क्योंकि साल भर के लिए तो बहुत सही होता है, लेकिन अपने सीजन के हिसाब से और सीजनल सब्जियाँ हमारी पूरी हो जाती है। सीजनल में आप चाहे जैसे पत्तेदार सब्जियाँ होगी, बेली वर्गीय सब्जियाँ होगी, जैसे टमाटर है, बैंगन है, कई तरह के टमाटर भी कई प्रकार के, और
वो क्या कहते हैं शिमला मिर्च है, ये मैंने भिंडी लगा रखी है। अच्छा, ये सर्दियों के लिए लगा रखी है। ये भी जब तक मेरी दूसरी वाली भिंडी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, जो खत्म हो जाएंगी। पहले मैंने लगाई थी गर्मियों में, इन ग्रो बैग में लगाई थी, ये खाली हो गए। आप व्यूअर देख भी सकते थे इसको, क्योंकि पहले भी ये मैंने दो तरह की भिंडी लगाई थी, एक हरे वाली और इन ग्रो बैग में लगाई हुई थी लाल वाली। ये खत्म बैंगन, हाँ बैंगन लगा दिए मैंने, उसको खाली करके बैंगन लगा दिए और लाल वाली भिंडी खत्म हो गई। अब लाल वाली उधर लगा दी है मैंने, हरी भिंडी भी लगा रखी है। और ये वाला इस पे जो ये लगा दिया आप देख सकते हैं, ये मैंने लगा रखी है जो पिंक कलर की होती है बंद गोभी, कलर कलर वो पिंक टाइप कलर की होती है वो लगा रखी है। और इधर इधर में ये फूल गोभी है सारी, फूल वाली फूल गोभी जो होती है, ये सारी फूल गोभी लगा रखी मैंने इस पे, आप देख सकते हैं। और अब ये हमारी फरवरी तक हमारी, मतलब जनवरी फरवरी तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और ये भी हर्ब्स है, ये मसाले में यूज होती है। अच्छा, हर्ब्स है ये, इसको जब बनता है इसको मसाले में आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू रहती है हर्ब्स है ये। और ये हमारी ब्रोकली है, जो ये इधर लगा रही है ब्रोकली है सारी। और इधर सफेद बैंगन है ना, हाँ ये सफेद बैंगन, व्हाइट बैंगन। इस बैंगन का भी ये देखिए आप, इस पे देखिए ना, इस ये बैंगन क्या है, अब ये सर्दियों में हो जाता है, क्या कहते हैं पाला वाला पड़ता हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मैंने पिछली बार इसको काटा था यहाँ से। अच्छा, यहाँ से इसको कट किया था, आप देख सकते काटने के बाद, फिर काटने बाद एक नई प्लांट आ गए, अब नई ग्रोथ में आएंगे। तो जैसे इसके दिवाली, जब दिवाली खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं इनको भी कट करूंगा यहाँ से, क्योंकि अगर कट नहीं करूंगा तो नीचे ग्रोथ नहीं आ पाएगी। इसको कट करने के बाद नया प्लांट बहुत मजबूत बनेगा और बहुत अच्छी उस पर ग्रोथ होगी और बढ़िया फ्रूटिंग होती है। ये हरा धनिया है, ये हरा धनिया हमने पहले का लगाया था, काफी इसमें हार्वेस्ट भी कर दिया हमने, अभी चल रहा है, तब तक मेरा नया ग्रो बैग में तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। और ये पौधा, ये वाला अभी मैं इसको क्लोज में दिखाता हूं, ये एलोवेरा लग रहा है ना, ये एलोवेरा मैंने, ये सारे एलोवेरा के मेरे प्लांट है, पांच छह लगा रखे। और ये भी, ये तो आपको बताइए, एलोवेरा तो एक औषधीय प्लांट है और बहुत अच्छा है, हम इसको अपने इसका जूस भी बना लेते हैं और अपने आप स्किन में भी आप डायरेक्ट लगा दो तो इसमें इसका भी काम कर देता है। ये हमारा एलोवेरा है, इसमें अब थोड़ा सर्दियों में ये थोड़ा ये इस टाइप होगा, इसको निकालेंगे उसका, हाँ इसके ऊपर, क्योंकि इसका भी बीच में निकाला नहीं, इसके ऊपर ये ग्रोथ करके अब इसको हटाना पड़ेगा। इस पे मैंने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, ये जहाँ पे कई लोगों क्या होता है बालकनी में इस पे रहता है, क्योंकि छत नहीं होती कई वाला, उनके लिए बहुत अच्छी चीज, इसको टावर फार्मिंग भी कहते हैं। पाइप में पाइप काट के मैंने इस पे तीन तीन होल कर रखे, एक एक टावर में नौ, आपने नौ प्लांट खरीद के लाए पाइप खुद की, ये हमारे पास जैसे मैंने मेरे मकान बनाया था, मैं उस पाइप बच गया था, उसमें मैंने इसको काट दिया, दो पाइप थे उसको हमने काट के और इसको हमने होल मैंने अपने आप करवाए हैं। हम घर में मेरे मशीन है, ट्री मशीन है, उसे करा के अभी जस्ट ये 10-15 दिन पहले प्लांट लगाए, अभी टिक गए, इसको आप एक महीने बाद इसकी ग्रोथ आप देखेंगे। अभी तो कई सूख भी रहे हैं, एक पाइप में आप कम से कम नौ प्लांट, अभी कई सूख भी रहे तो उसकी जगह दूसरे लगा देंगे, अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। लेकिन इस पर बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, इसमें हमने बहुत अच्छी से मिट्टी बना रखी है, जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इसी तरह आप देख रहे हैं नींबू, देखिए नींबू तो बहुत ही अच्छी, ये दो पौधे या तीन चार पौधे नींबू के हैं, अमरूद का है, चार पौधे नींबू के लगा रखे मैंने, और अमरूद भी है, केला भी है, ये हमारा अनार है, अब इसमें ग्रो वो नहीं आई, लेकिन नींबू हमारे बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट लगता है। नींबू मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो ये इस पे क्या है कि सर्दियों में भी चलते हैं गर्मियों में भी चलते हैं, तो ये हमारा देखिए आप बिल्कुल, ये देखिए अब ये तैयार हो चुका नींबू, आप देख सकती है जूसी है पूरा, देखिए आप इसे खुशबू बहुत अच्छी क्योंकि ये हमारा इसमें जो ऑर्गेनिक है, मतलब ये टोटली ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे वीडियो डाल रखे हैं कि कैसे ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है, वो मेरे वीडियो है आप देख सकते हैं। ये मेरी हल्दी है, हल्दी ये हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको क्योंकि मैंने पीछे पत्ते काट लिए थे तो मैं अभी 10-12 दिन के बाद इसको कर दूंगा, ये हमारी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और ये इधर प्याज, इधर मैंने प्याज लगा रखी, 11 ग्रो बैग है छोटे छोटे, इस पे प्याज लगा रखी मैंने। ये मैंने आपको भी बताया था भिंडी है। ये लाल भिंडी है, पहले हमने उधर लगाई थी और पूरे हमने सर्दियों से लेकर फरवरी में लगाई थी, फरवरी में लगाने के बाद हमारी अप्रैल से शुरू हो गई थी भिंडी, तो अप्रैल से लेकर हमारी कंटिन्यू चल रही भिंडी, अभी हमारी चल रही, अभी चल रही, अपने प्लांट में लगा दी है और ये पहले चल रहे हैं। इसमें देखिए आप ये देख सकते हैं, अभी हम तैयार है, कल ही हमने इसमें हार्वेस्ट की थी, कुछ तैयार हो चुकी है और 2-4 दिन में दोबारा भी तैयार हो जाएगी हमारे, मतलब हफ्ते में एक सब्जी हमारी भिंडी की अपने घर में तैयार हो जाती है, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी, बढ़िया भिंडी है, लाल कलर की भिंडी है। तो इसी तरह से आपको बता दूं, ये वो लगा रखे, क्या कहते हैं इसमें, फूल गोभी है ये,
फूल गोभी लगा रखी है। ये फूल गोभी प्याज है, ये प्याज इसमें लगा रखी है। ये खाली अब छोड़ रखे, ये बेल वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे उसका आएगा उसके लिए मैंने तैयार कर रखे गमले। तो ये हमारा टेरेस गार्डन का टूर है। ये आपको मोटिवेशन कहीं से मिला है कि आप पहले किसान परिवार से हैं, या कहीं से मोटिवेशन मिला आपको, या आपने सब्जेक्ट कोई मास्टर डिग्री में ऐसा पढ़ा कि आपको इतना मोटिवेशन मिला ये सब करने के लिए? दरअसल मैं बॉटनी का भी स्टूडेंट रहा। अच्छा, बॉटनी के स्टूडेंट है। और मैंने बीएससी तक मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था, तो इस पे प्लांट के बारे में थोड़ी नॉलेज तो था ही, लेकिन मैं किसान परिवार से भी हूँ। तो किसान परिवार में गाँव में भी खेती अच्छी हमारी रहती है, तो मेरा शौक है पहले से हॉबी है। तो ये जब मैंने अपना मकान लगाया तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें छत में हमने ग्रो बैग में अपनी लाइक सब्जियां उगाए, तो मेरा एक्सपीरियंस भी सही कामयाब रहा। क्योंकि जो मैंने अपना जो मेरा पहले गांव का भी ज्ञान था, जो गांव में हमने खेती की थी, उसका भी यहाँ एक्सपीरियंस में काम आया। तो मैं टोटली अपने आप अपनी जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर में स्वयं बनाता हूँ, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो जो हमारे कंपोस्ट हो। कंपोस्ट हमारे घर का जितना भी हमारा किचन वेस्ट है हम कभी भी बाहर नहीं फेंकते उसको। उसके हम औरों के जब यहाँ गाड़ी आती है, हमारी जो डिस्पोजल वाली गाड़ी आती है, थैली भर भर के जाती है, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ वो हार्ड जो होता है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वो कचरा हमारे यहाँ से बाहर जाता है घर से। बाकी हमारा जितना भी सब्जी फल का कचरा है वो हमारे कंपोस्ट बिन में जाता है, उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, खाद बना लें। तो बहुत ही अच्छा लगा जोशी जी ने। अगर जोशी जी की तरह और भी यहाँ आसपास के लोग, यहाँ अपने गांव में, अपने शहर में जहाँ जगह की कमी है, तो जोशी जी एक मॉडल हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने अपने घर पे, अपने मकान के ऊपर जितने भी मतलब सब्जियां उगती है, सीजनल सब्जियां उगाई है, अगर इसी तरह से हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर पे किचन गार्डन के लिए, सीजन के लिए सब्जियां उगाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि ये शायद पूरा ऑर्गेनिक आपका, टोटली ऑर्गेनिक, कोई खाद वाला वो नहीं है, कोई किसी जगह, यहाँ तक कि अगर पेस्टिसाइड भी अपने आप तैयार करता हूँ उसके लिए मेरे पास देखिए, वो भी ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, अपना भी करता हूँ जो अपना तैयार होता है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं जीवो अमृत बनाता हूँ, वो बहुत बढ़िया फंगिसाइड के लिए। बाकी मेरे पास ये आप देख सकते हैं नीम ऑयल है, ये नीम ऑयल का मैं हर 15-20 दिन में छिड़काव करता हूँ नीम ऑयल। इसके साथ नीम ऑयल के साथ मैं एंजाइम वगैरह मिला देता हूँ, जिससे कंपोस्ट के साथ साथ उसको अपलोड किए है। तो दोस्तों, ये जोशी जी एक हमारे लिए आदर्श है, एक मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने छोटे से स्पेस पे इतनी सारी सब्जियां, हर सीजन की सब्जियां, नींबू से लेकर बैंगन, जितनी भी मतलब प्याज, टमाटर, आलू, चौलाई और सारी हरी सब्जियां उगा रखी है। तो अगर इसी तरह से हम लोग भी, जितने भी आसपास के लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि एक सामने घर है, उस घर में भी आपकी तरह ही शायद आपसे सीख के काफी लोग हमारे आसपास के लोग काफी हमारे मोटिवेट हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप एक मॉडल हो सकते हैं सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, एक छोटे से प्लेस में कैसे सब्जी उगाएं। और मैं तो आश्चर्यचकित हुआ कि जब मैंने आपका वीडियो देखे कि इतनी छोटी जगह पे इतने सारे प्लांट और इतने सारे सब्जियां जो उगा रखी है, कि अगर हम लोग, सब लोग इस तरह से उगाएं तो बहुत सारी बीमारी से हम बच सकते हैं। क्योंकि आजकल जितनी भी मार्केट में सब्जियां, जैसे नींबू देख रहा था मैं, इस नींबू खुशबू अलग ही है, जो मार्केट से हम छांट के भी लेके आते हैं उसकी खुशबू ऐसी नहीं होती है। और भिंडी जो देख रहे, भिंडी पे तो इसकी खुशबू ले रहे थे हम, इसकी भी अलग ही खुशबू भिंडी की भी, क्योंकि जो मार्केट की भिंडी आती है वो सब पेस्टिसाइड होती है। तो जो हम अपने किचन गार्डन में उगाते हैं या ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, उसका स्वाद भी अलग होता है और उसका क्या बोलते हैं, बीमारी से बचने के लिए भी बहुत ही फायदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। और ये मोटिवेशन कब मिला आपको, मतलब ये कोरोना के बाद से कि पहले से? नहीं, शौक तो मैंने पहले से था, पहले मैं करता था ये वाली, जैसे हमारा पाम का प्लांट लगा दिया और रोज प्लांट लगा दिए, इस टाइप का मैं पहले शौक था, वो मेरे लगे भी है नीचे अपने, आपने देखा होगा मेरे घर के लगे हुए पाम का है, ऑक्सीजन फ्रिज प्लांट है, सब लगाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ये हम उगा सकते हैं, क्यों ना अपने लिए सब्जियां उगाए। तो मेरा 2 साल कोरोना के बाद, 2020 में कोरोना के बाद ही मैंने शुरू किया। तो एक हमारे लिए एक मतलब आदर्श है जोशी जी, कि हम भी इसी तरह से अपने घर में सब्जी उगा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे किचन गार्डन पे एक मास्टर डेडिकेशन हो सकता है। एक तो वैरायटी बहुत सारी आपके यहाँ है, दूसरा आप इसका जो है सीजनल की, अलग अलग सीजन की सब्जियां उगाते हैं, तो इस तरह से इस पे एक अच्छा खासा मास्टर डेडिकेशन कर सकते कोई स्टूडेंट, और आगे के लिए प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह से अगर एक आदमी
एक घर में इतनी सब्जी उगा सकता है कि अगर 10 परिवार या 15 परिवार 20 परिवार भी जागरूक होते हैं इस तरह के काम करने के लिए, अपने घर में सब्जी उगाने के लिए, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है, कितना मतलब जो है अच्छा हो सकता है। हम जैसे हम लोग मार्केट से लाते हैं वो टोटली से पेस्टिसाइड और केमिकल से भरपूर उस पर रहता है, क्योंकि मैं एज ए क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हूँ, हम इस पर मार्केट सर्वे भी करते रहते हैं, मार्केट में जो भी सब्जी आती है हम उसकी सैंपलिंग भी करते रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसके लिए अगर इससे बचना होगा तो आप अगर हर लोग अपने घर में इस तरह की सब्जियाँ लगाएं तो बाहर की जो सब्जियाँ होती है केमिकल युक्त सब्जियाँ होती है उससे आप बच सकते हैं। बाकी जोहर जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और आप मेरे को रिसीव करने भी आए, हम घर लेके आए और टाइम दिया। और मैं कोशिश करूंगा अपना कोई स्टूडेंट अगर मास्टर स्टूडेंट को इधर भेज के इसका पूरा एक डिसर्टेशन तैयार करें और फिर उसको फर्दर आगे के लिए प्रोसीड करें।